नाज़रीन, आज मैं बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार मेडिटेरेनियन सैलेड बनाऊंगी। ये एक मेरे पास बहुत ही पुरानी रेसिपी है जो मैंने जब भी बनाई है सबको बहुत पसंद आई है, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे बॉयल चिकपीज़ यानी कि चने। मैं इसके लिए इस्तेमाल करूंगी रेडीमेड, आपकी मर्ज़ी, आप खुद से भी बॉयल कर सकते हैं। तकरीबन एक कैन इनका हमें चाहिए होगा। चेरी टमेटोज़ हमें चाहिए होंगे आधा कप, इनको हम दरमियान में से काट लेंगे। अगर आप चाहें तो रेगुलर टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बारीक चॉप कर लें। मेडिटेरेनियन क्यूकम्बर जिसको उर्दू में ककड़ी कहते हैं, तकरीबन एक हमें ये चाहिए होगा, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा अनियन, आप चाहें तो रेड अनियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। धनिया और पुदीना, और हमें चाहिए होगा चीज़। मैं इसके लिए इस्तेमाल करूंगी मोज़रेला, आपको जो भी चीज़ पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमें चाहिए होगा लेमन, ब्लैक पेपर। ड्रेसिंग के लिए आप रेडीमेड ड्रेसिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इस्तेमाल करूंगी इटालियन ड्रेसिंग। अगर आपके पास रेडीमेड ड्रेसिंग नहीं है तो आप इसके लिए ऑलिव ऑयल और रेड विनीगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को बारीक चॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले एक बाउल में हम डालेंगे चिकपीज, क्यूकम्बर, रेड चेरी टमाटोज जिनको इस तरह से 2 पीसेस में मैंने काट लिया है, चीज़ जिसको मैंने इस तरह से बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, साथ ही हम ऐड कर देंगे धनिया, और पुदीना बारीक काट लें इसको भी। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे अनियन, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, और टेस्ट के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। और ड्रेसिंग के लिए आपकी मर्ज़ी है, आप रेडीमेड ड्रेसिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप रेडीमेड ड्रेसिंग इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसका ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून और रेड विनेगर 1 टीस्पून इसमें ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखिए कितनी कलरफुल सैलेड हमारी तैयार हुई है, ना सिर्फ ये कलरफुल है बल्कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि सबको बहुत पसंद आएगी। और इसे सर्विंग डिश में डाल लेंगे।